ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो गाइस ये वाली वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है और इंटरेस्टिंग भी होगी, क्योंकि ये वीडियो आप ही की डिमांड के ऊपर है। आप में से बहुत सारे लोगों ने पिछले कुछ टाइम में कमेंट्स किए हैं कि भाई WWE वर्सेस AEW के सुपरस्टार्स की मैच की एक वीडियो बनाओ, ड्रीम मैचेस क्या हो सकते हैं। लेकिन गाइस इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको सिर्फ ड्रीम मैचेस नहीं बताऊंगा, बल्कि एक बहुत बड़ी चीज बताऊंगा जो कि ट्रिपल एच ने कही है, और पॉसिबली ये डोर्स ओपन रखते हैं कि इन फ्यूचर हमको WWE के सुपरस्टार सीधा कम्पीट करते हुए दिखाई दे सकते हैं किसी दूसरे प्रमोशन के सुपरस्टार्स के साथ, या फिर AEW जो कि इस समय उनका बड़ा रायल चल रहा है। काफी इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, और साथ ही साथ 10 वो कौन से ऐसे ड्रीम मैचेस हैं जो कि मैं देखना चाहूंगा WWE सुपरस्टार्स के अगेंस्ट AEW स्टार्स। तो गाइस ज्यादा टाइम आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते और जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब इससे पहले कि हम लोग उन 10 मैचेस के ऊपर आए गाइस, मैं आपको अभी रिसेंटली जो बिल्कुल ट्रिपल एच का इंटरव्यू था वहां पर उन्होंने क्या चीज कही है अपने बिजनेस को लेकर वो बात बताता हूं। उन्होंने कहा कि देखो हम किसी भी बिजनेस को करने के लिए तैयार हैं अगर WWE को इससे किसी भी तरीके का फायदा होता है। और काफी सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद हम इस माइंडसेट से नहीं चल रहे, लेकिन ऐसा बिल्कुल है। और किसी दूसरे प्रमोशन के साथ अगर हम लॉन्ग टर्म में काम करने को देखें तो डेफिनेटली एक चीज है जो कि इन फ्यूचर पॉसिबल हो सकती है। और यहां पर ट्रिपल एच ने लॉन्ग टर्म का मतलब कुछ महीने नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा हम लॉन्ग टर्म की जब बात करते हैं तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं 5 या फिर 10 साल की। और अगर मैं विंस मैकमैन की तरफ से तुमको बताऊं तो उनके दिमाग में भी यही है कि अगर किसी दूसरे प्रमोशन के साथ काम करने से दोनों ही पार्टीज को फायदा होता है तो डेफिनेटली ये चीज हम WWE के अंदर जरूर करेंगे। और गाइस ट्रिपल एच की तरफ से बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि यूजुअली इन जनरल जो फैंस है वो ये सोचते हैं कि WWE अपने आप में ही चीजों को करना ज्यादा बेहतर समझती है, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है और अगर वो किसी और के साथ काम करते हैं तो WWE से ज्यादा उनको फायदा होगा। लेकिन ट्रिपल एच ने यहां पर इन सारी बातों को नकार दिया। हालांकि वो बात अलग है कि WWE यूजुअली पहले उस कंपनी को खरीदती है और उसके बाद उसके साथ काम करती है, लेकिन ट्रिपल एच ने यहां पर ऐसा कुछ भी अलग से मेंशन नहीं किया है और उन्होंने कहा है कि वो किसी दूसरे प्रमोशन के साथ काम करने में इंटरेस्टेड होंगे। वैसे गाइस मैं आपको बता दूं बाकी जो रेसलिंग के अंदर प्रमोशन है, जैसे कि ROH की मैं बात करूं या फिर NJPW की बात करूं, ये साथ साथ में काम करते रहते हैं। और रिसेंटली हमको AEW का भी पता चला कि कैसे वो इंपैक्ट रेसलिंग के साथ कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं, कोई हमको इनके बीच भी आपस में जो है क्रॉस प्रमोशनल मैचेस देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस यही चीज आगे जाकर अगर सारी चीजें स्मूथ होती हैं और ये WWE वर्सेस AEW बना रहता तो डेफिनेटली इस चीज के ऊपर WWE भी कैपिटलाइज करना चाहिए और शायद तब जाकर WWE को फायदा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग 10 ड्रीम मैचेस की बात करने वाले हैं WWE वर्सेस AEW सुपरस्टार्स। और गाइस जो मैंने आपको सारी बातें बताई इससे पहले, अगर वो सच होती हैं तो हो सकता है ये ड्रीम मैचेस हमको रियलिटी में भी बदलते हुए दिखाई दें। और गाइस अब ज्यादा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले मैच की बात करते हैं। तो गाइस यहां पर ये मैंने रखा है सेथ रॉलिंस वर्सेस केनी ओमेगा के बीच में। अब गाइस आपको पता है केनी ओमेगा, अगर आप लोग AEW को फॉलो करते हो या फिर इससे पहले आपने NJPW के अंदर उनको देखा हुआ है, कितने अच्छे वो इन रिंग टैलेंट हैं। और भाई अगर मैं सेथ रॉलिंस की भी बात करूं तो उनके अंदर भी यही खूबी है कि वो मैचेस काफी अच्छे रेसल करते हैं। और गाइस इनके बीच तो हिस्ट्री भी रही है, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने कई बार केनी ओमेगा के ऊपर शॉट भी लिए हैं, उन्होंने उनको माइनर लीग में परफॉर्म करने वाला बंदा भी कहा है। और सोशल मीडिया के ऊपर फैंस हमेशा इस मैच को देखते हैं कि अगर कभी सेथ रॉलिंस एंड केनी ओमेगा एक बार इन फ्यूचर आमने सामने आ जाए तो मजा आ जाएगा, और मेरे लिए भी सेथ रॉलिंस वर्सेस केनी ओमेगा का ये ड्रीम मैच है। नेक्स्ट मैच इज MJF वर्सेस डैनियल ब्रायन। सबसे पहले बात करें MJF की, तो आपको पता है कैसे AEW के अंदर इतनी कम उम्र में भी वो इतना अच्छा हील वाला कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। मतलब उनके जो एक्शंस रहते हैं, जिस तरीके से वो एक्ट करते हैं, उसको देखकर ही लगता है कि भाई ये बंदा तो अंदर से ही पूरा हील है। सिर्फ कैरेक्टर नहीं बल्कि जिस तरीके से वो अपने आप को पूरा प्रेजेंट करते हैं, उनका हील वाला कैरेक्टर काफी देखने में अच्छा लगता है। और वहीं डैनियल ब्रायन की बात करें तो मेरे हिसाब से पिछले कुछ सालों में सबसे बढ़िया जो बेबी फेस WWE को मिला है वो कोई और नहीं बल्कि डैनियल ब्रायन है। शायद मैं इसको किसी भी और सुपरस्टार से बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं कर सकता। तो यहां पर अगर मेरे लिए कोई ड्रीम मैच बनाने की बात आए तो डेफिनेटली वो MJF वर्सेस डैनियल ब्रायन होगा। एक तरफ प्योर बेबी फेस और दूसरी तरफ एक प्योर हील, तो इनके बीच की जो केमिस्ट्री है वो शायद इनके मैच को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकती है। तो मेरे लिए ये भी एक ड्रीम मैच है। नेक्स्ट मैच इज द यूसोस वर्सेस यंग बक्स। अब अगर मैं दोनों ही ब्रांड से एक एक टीम उठाऊं जो कि मेरे को सबसे बढ़िया लगती है टैग टीम डिवीजन के अंदर, तो WWE से मैं उठाना चाहूंगा द यूसोस की। अब न्यू डे का भी मैं यहां पर नाम डाल सकता हूं, लेकिन फिर भी यूसोस मेरे को ज्यादा इंप्रेस करते हैं अगर मैं ओवरऑल बात करूं, क्योंकि न्यू डे के अंदर वो जो थोड़ा कॉमेडी वाला फील है वो शायद उतना ज्यादा उनको स्ट्रांग या फिर तगड़ा नहीं दिखाता। लेकिन यूसोस की बात करें तो पहले वो फेस थे और उसके बाद जब उन्होंने हील टर्न भी किया, इवन
इवन आज के टाइम में बात करो तो रोमन रेंस के साथ काम करके उनका जो लेवल है वो और भी ज्यादा एलिवेट हो चुका है। और वहीं AEW से बात करो तो यंग बक्स ने पहले से प्रूव करा हुआ है कि वो रेसलिंग कितनी अच्छी करते हैं। तो अगर हम टैग टीम डिवीजन से एक मैच बनाने की बात करें तो मेरे लिए ड्रीम मैच यहां पर बिना किसी डाउट के दी उसोस वर्सेस यंग बक्स का होगा। नेक्स्ट मैच इज जेफ हार्डी वर्सेस डार्बी एलन। अब जैसे ही मैं इन दोनों सुपरस्टार्स का नाम एक साथ ले रहा हूं तो आपको समझ आना चाहिए कि आखिर क्यों मैं इनके बीच एक मैच को ड्रीम मैच कह रहा हूं। सबसे पहले जेफ हार्डी की बात करें तो उनका करियर कितना ही बड़ा रहा है और कितने सारे उन्होंने हमको ऐसे स्कैरी मूवमेंट्स भी दिखाए जिसको देखकर भाई हमारा तो दिल कांप जाता है। जेफ हार्डी से स्टंट करवाने हो तो भाई आज के टाइम पर भी वो उसे उतने ही परफेक्शन से कर सकते हैं जैसे कि वो अपने करियर की शुरुआत में करते थे या फिर पूरे करियर में करते थे। और वैसे ही अगर मैं AEW से कोई ऐसा सुपरस्टार ढूंढूं तो डार्बी एलन से बढ़िया मेरे को वो कोई सुपरस्टार नहीं दिखता है। जिस तरीके से वो अपनी बॉडी को ऑन द लाइन लगाते हैं भाई कहीं ना कहीं वो मेरे को जेफ हार्डी की याद दिलाते हैं AEW के अंदर। तो इनका आपस में परफेक्ट मैच होगा और अगर मैं इनको किसी एक साथ मैच के अंदर रेसल करते हुए देखूं तो यही सारे मूवमेंट्स मैं इन दोनों ही सुपरस्टार से एक्सपेक्ट करूंगा। तो इसीलिए मेरे लिए डार्बी एलन वर्सेस जेफ हार्डी एक ड्रीम मैच रहेगा। नेक्स्ट मैच इज एज स्टाइल्स वर्सेस ला शैंपियन क्रिस जेरिको। अब यहां पर मैं इनके सुपरस्टार्स के साथ कोई और मैचेस भी बना सकता था लेकिन क्यों एज स्टाइल्स वर्सेस क्रिस जेरिको के मैच को ही मैंने चुना है। सबसे पहले तो एज स्टाइल्स आपको पता ही है कितने टाइम से वो प्रो रेसलिंग के अंदर पॉपुलर है, WWE के अंदर भी आया तो उस चीज को उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ। और वहीं क्रिस जेरिको की भी बात करें तो वो भी WWE के अंदर काफी अच्छा टाइम बिताकर गए और उसके बाद वो भी गए दूसरी कंपनी के अंदर जहां पर उन्होंने भी अपनी पॉपुलैरिटी को बनाए रखा हुआ है। और अब हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों ही सुपरस्टार एक डिफरेंट लेवल को भी अचीव कर चुके हैं जहां पर इनको वेटरन माना जाता है। तो इस हिसाब से एज स्टाइल्स वर्सेस क्रिस जेरिको मेरे लिए होगा एक ड्रीम मैच। नेक्स्ट मैच इज द फीन्ड ब्रे वायट वर्सेस ब्रोकन मैट हार्डी। अब वैसे तो WWE के अंदर हम लोगों ने इन दोनों सुपरस्टार्स की फ्यूड देखी हुई है लेकिन मेरे ख्याल से WWE इसको जितना बेकार तरीके से बुक कर सकती थी उन्होंने इसको उतना ही बेकार तरीके से बुक किया हुआ है। गाइस मैं आपको बता दूं ये प्रो रेसलिंग के अंदर सिनेमैटिक मैचेस को ज्यादा पॉपुलर करने के पीछे मैट हार्डी का ही मैच था क्योंकि हमने मैट हार्डी को जिस तरीके से इंपैक्ट रेसलिंग के अंदर देखा हुआ है उसी चीज को वो WWE के अंदर करना चाहते थे लेकिन वो चीज उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाई। तो अगर आगे जाकर कभी ऐसा सीन बनता है तो मेरे ख्याल से द फीन्ड ही वो सुपरस्टार होंगे जो कि सिनेमैटिक मैचेस के अंदर मैट हार्डी के साथ कमाल कर सकते हैं। और इसीलिए द फीन्ड वर्सेस मैट हार्डी मेरे लिए रहेगा AEW वर्सेस WWE का एक ड्रीम मैच। नेक्स्ट मैच इज लैंस आर्चर वर्सेस करंट WWE चैंपियन ड्रू मैकइंटायर। अब यहां पर लैंस आर्चर को वैसे तो AEW के अंदर एक मॉन्स्टर की तरह बुक किया जाता है लेकिन अगर मैं ड्रू मैकइंटायर से उनको कंपेयर करूं तो यहां पर मुझे काफी सिमिलैरिटी नजर आती है। दोनों का साइज काफी बड़ा है, फिजिक इनकी काफी तगड़ी है और रेसलिंग स्किल की बात करूं तो इतना बड़ा साइज होने के बावजूद भी जिस तरीके से लड़ते हैं कभी भी ऐसा इन्होंने महसूस होने नहीं दिया कि इतनी बड़ी बॉडी को भी ये इस तरीके से मूव कर सकते हैं। तो लैंस आर्चर के साथ वैसे तो मैं WWE से कोई मॉन्स्टर चुन सकता था जैसे कि क्या पता ब्राउन स्ट्रोमैन का भी वो नाम हो जाता लेकिन मेरे ख्याल से ड्रू मैकइंटायर वर्सेस लैंस आर्चर उससे एक बढ़िया मैच होगा और इसीलिए लिस्ट में मेरा यह है ड्रीम मैच। नेक्स्ट मैच इज कोडी रोड्स वर्सेस ट्रिपल एच। अब यहां पर यह कॉर्पोरेट टाइप का मैच होगा क्योंकि WWE के अंदर जिस तरीके से ट्रिपल एच का रोल है वैसे ही AEW के अंदर हमको कोडी रोड्स का रोल देखने को मिलता है जो कि अपने ही अपने ब्रांड के अंदर हायर अप्स में है। और वैसे भी आपको पता है कोडी रोड्स ने तो AEW कंपनी ज्वाइन करने के बाद या फिर उससे भी पहले से जब वो WWE से गए थे काफी सारे शॉट्स लिए हुए हैं ट्रिपल एच के ऊपर। इवन AEW के अंदर तो उनका अलग से सेगमेंट था जहां पर ट्रिपल एच का वो जो थ्रोन था उसको उन्होंने तोड़ा था और इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली आप लोग कह सकते हो एक शॉट लिया था। तो यहां पर इनके बीच जो सिमिलैरिटी काफी ज्यादा है और डेफिनेटली ये तो जरूर है कोडी रोड्स वर्सेस ट्रिपल एच का मैच जो कि मेरी लिस्ट में रह गई रहेगा। नेक्स्ट मैच इज ब्रॉक लेसनर वर्सेस ब्रायन केज। अब दोनों ही सुपरस्टार्स को अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करो तो सबसे पहले तो यहां पर ब्रॉक लेसनर F5 फिनिशर का यूज करते हैं और हमने ब्रायन केज को भी F5 और F10 का यूज करते हुए दिखा है। दोनों की फिजिक बहुत ज्यादा तगड़ी है और भाई इस मैच को देखने के लिए तो मैं मरा ही जा रहा हूं। मतलब ब्रॉक लेसनर वैसे ही अगर किसी मैच के अंदर होते हैं तो उसको देखने का अलग ही मजा होता है और जिस तरीके से ब्रायन केज ने भी अपनी बॉडी के हिसाब से जिस तरीके की वो रेसलिंग करते हैं अपने आप को प्रूव करके रखा हुआ है वो एक एथलीट सुपरस्टार की लिस्ट में जरूर आएंगे इतना तगड़ा साइज होने के बावजूद भी। और पूरे ड्रीम मैचेस की लिस्ट में सही बताऊं तो ये वो ऐसा मैच है जो कि मैं देखना ही देखना चाहूंगा भाई। एक्चुअल में जिसको ड्रीम मैच कहते हैं ना वो मेरी इस लिस्ट में है, भाई नंबर 2 पर मैंने इसको रखा है। बट स्टिल ब्रायन केज वर्सेस ब्रॉक लेसनर एक ड्रीम मैच है मेरे लिए और शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो खुद ब्रायन केज ने भी हिंट किया था कि अपने ड्रीम अपोनेंट के तौर पर वो ब्रॉक लेसनर को देखते हैं तो अपने आप में ये ड्रीम मैच बन जाता है। लेकिन लिस्ट में नंबर 1 पर जो मैच है वो है रोमन रेंस वर्सेस जॉन मॉक्सली का। एक बंदा अपनी कंपनी का फेस और दूसरा बंदा अपनी कंपनी का फेस और हम लोगों ने देखा है कि कैसे पिछले कुछ टाइम में दोनों ही सुपरस्टार्स ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया हुआ है। फिर चाहे हम बात करें रोमन रेंस के हील टर्न के बाद की उनकी अब तक की परफॉर्मेंस की या फिर जॉन मॉक्सली जिस तरीके से वो WWE से गए और उनके अंदर जो हॉट सेंसेशन वाला वो टॉपिक एक बने हुए थे उस चीज को उन्होंने कंटिन्यू रखा जिसके बाद वो चैंपियन भी बने। और बाकी आपको इनकी हिस्ट्री तो पता ही है, शील्ड में कैसे इन्होंने
दोनों ने एक साथ काफी लंबे टाइम तक काम किया हुआ है, दोनों अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं, तो डेफिनेटली ये तो ड्रीम मैच है ही है जो कि मेरी इस लिस्ट में आएगा नंबर वन पर। और इस तरीके से ये थे वो 10 ऐसे ड्रीम मैचेस जो कि मैं चाहता हूं कि हमको AEW और WWE के सुपरस्टार्स के बीच देखने को मिले, और अगर चीजें सारी जाती हैं सही तरीके से तो गाइस ये ड्रीम मैचेस आपको रियलिटी में भी बदलते हुए दिखाई दे सकते हैं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि इन 10 में से कौन सा वो मैच होगा जो कि आप जरूर देखना चाहोगे, या फिर कोई और ऐसा मैच है जो कि आप इसमें ऐड करोगे। ये वाली वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक किए बिना कहीं मत जाना, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको प्रो रेसलिंग से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।